मैंने जो लास्ट कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट करना था, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला कंप्लीट हो गया था, तो कार्बन यही चीज आती है कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपकी धक था कि उसमें प्रॉब्लम किस तरीके से हो सकती है, आपकी ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो अल्टीमेटली क्या चीज हो जाएगी, उस पर्सन के या तो भूख या फिर उसकी डेथ हो सकती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की ये प्रॉब्लम। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड कैन वर्क फॉर द क्रिएशन ऑफ ट्रोपोस्फेरिक लेवल ओजोन, ठीक है ना। अब कार्बन मोनोऑक्साइड की जो थी कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस थी। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये भी कलरलेस गैस है, ऑर्डरलेस गैस है। कहाँ से प्रोड्यूस होती है, एक तो आपका नॉर्मल जो है ब्रीथिंग, ब्रीथ आउट होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। इसके अलावा फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से होती है। कार्बोनेट की रॉक्स जो होती है जब उसकी वेदरिंग होती है वहां से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की एक खासियत क्या चीज होती है, सोल्यूबल होता है पानी में, ठीक है ना। तो एक कार्बोनिक एसिड बनाता है जब ये वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। और ये कार्बोनिक एसिड जो होता है ये वीक टाइप का आपका एसिड होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी पीएच वैल्यू थोड़ी हाई होती है कंपेयर टू सल्फ्यूरिक एसिड हो गया आपका या नाइट्रिक एसिड हो गया, वो स्ट्रॉन्ग टाइप के एसिड होते हैं। इसीलिए आपकी जो एसिड रेन होती है हमेशा ये कहते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड से एसिड रेन बनी है, ये कभी नहीं कहते कि कार्बोनिक एसिड के कारण एसिड रेन है, क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू ज्यादा होती है, वीक टाइप का एसिड है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी पूछें कि एसिडिक जो एसिड रेन होती है उसमें किसका कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, क्या कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का एसिड रेन में माना नहीं जाता क्योंकि एसिड जो होता है वो वीक टाइप का होता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड के हेल्थ पे क्या इफेक्ट होता है, तो आपको पता ही है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिफरेंस क्या चीज है, कार्बन डाइऑक्साइड जब बढ़ती है आपकी और ऑक्सीजन उधर कम हो जाती है तो अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से आपका अनकॉन्शियसनेस वाली कंडीशन हो जाती है, ठीक है, सफोकेशन होने लग जाती है, हेडेक हो गया, अनकॉन्शियसनेस हो गई। एनवायरमेंट पे क्या है चीज है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है ना। इसके अलावा एसिड, ओशियन एसिडिफिकेशन, ओशियन में जो एसिडिफिकेशन होता है आपका, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, फर्दर रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बाइकार्बोनेट बन जाता है, ठीक है। तो ओशियन का एसिडिफिकेशन होने लग जाता है। वैसे एसिडिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो एसिड बन गया, वो कंपैरेटिवली पहले के मुकाबले ज्यादा एसिड हो गया, यानी पहले के मुकाबले कम बेस हो गया, बेसिक हो गया, ठीक है ना। जो आपकी पीएच वैल्यू होती है उसकी रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, इसीलिए उसको कहा गया एसिडिफिकेशन होना। यहाँ तक समझ आया ना आप लोगों को। अभी वैसे आगे बताया जाएगा कि ओशियन एसिडिफिकेशन है क्या, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो आपको पता ही है, क्लोरोफ्लोरो और कार्बन। अब क्लोरीन जो होता है वो आपका किस तरह का काम करता है, ओजोन के डिप्लीशन का काम करता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका किस में यूज होता है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, एरोसेल स्प्रे, इन सब में यूज होता है। और ये क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, ठीक है, यानी गैशियस फॉर्म में ये एकदम से जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा तो गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाएगा एटमोसफेयर में, ठीक है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हो गया, इसको रिप्लेस करने के लिए या रिमूव करने के लिए, ठीक है, इसके लिए जो आपका कन्वेंशन स्टार्ट, वियना कन्वेंशन थी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन, ओजोन की प्रोटेक्शन के लिए आपकी वियना कन्वेंशन हुई। अब ओजोन किससे कैसे प्रोटेक्ट होगा, जब आप ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को रिप्लेस करोगे, कुछ और उसका अल्टरनेटिव निकालोगे, तो उसके लिए आपका प्रोटोकॉल जो साइन हुआ था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ, पर्पस फेजिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ, किसका प्रोडक्शन, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। तो पहले क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उससे रिप्लेस होके आया, पर उसमें भी क्लोरो ही था, फिर आया हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के साथ क्या चीज है, वो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन नहीं है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेस का काम करता है। तो फिर आपका किगाली अग्रीमेंट साइन हुआ जिसमें कहा गया कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन भी रिप्लेस करेंगे, कुछ और अल्टरनेटिव निकालेंगे जिससे ये रेफ्रिजरेटर इसमें कूलेंट की तरह भी काम हो जाए और साथ के साथ ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम भी नहीं करे और ओजोन डिप्लीटिंग की तरह भी काम नहीं करे। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप बताओ, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, जैसे अभी स्टार्ट करा नहीं थोड़ा सा, मैंने आइडिया आपको दे दिया कि क्या है, कौन से ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हो सकते हैं। अब ये लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, लेकिन वो अब ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करने लगे, कौन सा होगा इसमें, ऑप्शन डी,
ऑप्शन डी। अच्छा बाकी सब एक जल्दी से फटाफट से बताओ क्या होगा। सर बी ऑप्शन बी। अच्छा और बाकी लोग ऑप्शन बी। आपको क्वेश्चन समझ आएगा क्वेश्चन क्या लिख रहा है। ये क्वेश्चन ये लिख रहा है कि ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का सब्स्टिट्यूट इंट्रोड्यूस किया पर अल्टीमेटली वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में, मतलब उस एक तरीके से ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में मतलब उसका कन्वर्जन हो गया, यानी वो ग्रीन हाउस गैसेस के रूप में काम करने लग गया है, ठीक है ना। मतलब इट स्टार्ट्स एज अ रिप्लेसमेंट फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बट अल्टीमेटली टर्न्स आउट टू बी अ ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। कोई और बता रहे हैं कोई क्या ऑप्शन हो सकता है इसका, या फिर आंसर इसका करें डिस्कस। चलो इसका मैं आंसर ही बताता हूँ क्या चीज है। देखो इसमें ये याद रखना कि क्लोरीन ब्रोमीन नाइट्रस ऑक्साइड्स ये सारे किस तरह से काम करते हैं, यहाँ पे काम करते हैं ओजोन को डिप्लीशन करने के लिए। तो जिस भी कंपाउंड के अंदर क्लोरीन है ब्रोमीन है वो क्या करेगा, ओजोन डिप्लीट करेगा, ठीक है ना। ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, उसका ऑक्सीजन का एटम एक रिलीज कर देगा, क्लोरीन मोनोऑक्साइड बन जाएगा और फिर ऑक्सीजन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन गैस, ओजोन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी ऑक्सीजन गैस में। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, ठीक है, लेकिन वो ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम नहीं करता। सेकेंड जो है वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है कि क्लोरीन है उसमें, लेकिन वो भी नहीं करता ग्रीन हाउस गैस में। थर्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड है उसमें भी क्लोरीन है, इसका मतलब वो ओजोन डिप्लीटिंग है पर ग्रीन हाउस गैस ये भी नहीं बनता। लेकिन जो चौथा है आपका वो एज अ रिप्लेसमेंट की तरह आया था ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस को, यानी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन उसको रिप्लेस करके आया, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं था, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस की तरह काम करता है, यानी ये इनकमिंग रेडिएशन को तो अलाउ करता है और अर्थ से जब वापस जाती है आपकी लॉन्ग वेव, ठीक है, लॉन्ग वेव जाती है और विद लो फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी की आती है क्योंकि हाई एनर्जी होती है सन से, लेकिन जो वापस जाती है वो लो एनर्जी की होती है इसलिए लो फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन लॉन्ग वेव, लो फ्रीक्वेंसी मतलब शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है लेकिन उसकी रेडिएशन की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा लंबी होती है, लॉन्ग वेवलेंथ होती है, उसको ये ट्रैप्ड कर लेता है, इसीलिए ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस की रिप्लेसमेंट की तरह आता है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन सही है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को रिप्लेस कराने के लिए उसको अल्टरनेटिव के लिए किगाली एग्रीमेंट साइन हुआ है, ठीक है। बाकी तीन के मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसके लिए किगाली एग्रीमेंट। एक और चीज ध्यान रखना, जो आपका पेरिस एग्रीमेंट था, क्योटो एग्रीमेंट था, वो ग्रीन हाउस गैसेस को इमिशन को रोकने के लिए था, ठीक है ना। लेकिन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन एक्चुअली ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है, फिर भी इट डजंट कम्स अंडर पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। ग्रीन हाउस जो ओजोन क्या चीज है, ओजोन क्या है, ऑक्सीजन के तीन एटम होते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर में भी पाई जाती है और ट्रोपोस्फेयर में भी बनती है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या चीज है, नेचुरल वे में बनती है, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट जब पड़ती है आपके ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन पर मतलब जो ऑक्सीजन गैस है O2 या, तो ओजोन जो है ना वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में भी हो सकता है, ट्रोपोस्फेयर में भी हो सकता है। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, अल्ट्रावायलेट, ये बनता भी अल्ट्रावायलेट रेस से ही है, यानी ऑक्सीजन पर जब अल्ट्रावायलेट लाइट पड़ती है तो ऑक्सीजन का एटम अलग हो जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से, यानी O2 से O अलग हो गया और फिर वो O जो है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऐड होकर ओजोन बना देता है। और इसी तरीके से जो आपकी जो चीज ओजोन जो है आपका ग्राउंड लेवल पर जो ओजोन क्रिएट होती है वो पॉल्यूटेंट की तरह काम करती है, और जो स्ट्रेटोस्फीयर पे जो ओजोन होती है वो आपकी अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है। तो ये बनती भी अल्ट्रावायलेट रेस के हेल्प से ही है और ये प्रोटेक्ट भी अल्ट्रावायलेट रेस से, अर्थ को प्रोटेक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेस से, ठीक है। तो ओजोन जो है आपका जो ट्रोपोस्फीयर में बनती है वो मैंने आपको बताया था कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो गैस होती है या फिर जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो आपका मेजर रोल प्ले करते हैं ओजोन गैस बनने में, ठीक है। ओजोन की क्या चीजें थे, आइज के लिए इची होता है, वाटरी हो जाता है इससे आइज, और आपकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है कोल्ड और निमोनिया के लिए। अब है नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड का मतलब हो गया NO तरीके से। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होता है वो आपके क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया वो एक तो ओजोन में भी होता है बनाने में काम आता है, इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपका नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट होकर एसिड रेन भी, वेट टाइप की एसिड रेन या ड्राई टाइप की होगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही हो गया।
लेकिन जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस पे काम करता है। हाँ तो याद सर, रखना है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जैसे वाटर वेपर ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है। लेकिन जो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड है ना, वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो आपकी एसिड रेन में बनने में हेल्पफुल होती है, ठीक है ना। कभी आ जाए पेपर में कि नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो एसिड रेन में, हाँ नाइट्रस ऑक्साइड की अगर फॉर्म चेंज हो जाए, यानी नाइट्रस ऑक्साइड कन्वर्ट हो जाए बाद में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में, ठीक है ना, तब वो जाकर मतलब ये होगा नाइट्रोजन का एटम कम हो जाएगा उधर से और ऑक्सीजन का बढ़ जाएगा, तब जाके वो एसिड रेन के लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे रिलीज होते हैं आपके, कंबशन से हो गया, इंटरनल कंबशन, या फिर पावर प्लांट से, या फिर आपके जो लाइटनिंग होती है एटमोसफेयर में, ठीक है, उससे होती है। अब याद रखना, नाइट्रोजन ऑक्सीजन का जो रिएक्शन होता है ना, वो नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता, हाई टेम्परेचर पर होता है। इसी कारण से जब आपका फॉसिल फ्यूल बर्न होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है उस टाइम पर, तो जो फ्यूल के अंदर नाइट्रोजन होता है वो रिएक्ट कर जाता है आपका ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है ना। नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं होता नाइट्रोजन ऑक्साइड रिएक्ट, अदरवाइज आपके एटमोसफेयर में नाइट्रोजन भी है और एटमोसफेयर में आपके ऑक्सीजन भी है, वो रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही बनाते रहते हैं। सर, नाइट्रेक्स ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अलग है? अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का मतलब होता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड ये हो गया, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड ये हो गया आपका। अब ये O जो है वो एक O भी हो सकता है, डाइऑक्साइड भी हो सकता है, ठीक है ना, यानी ऑक्साइड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी हो सकता है। और जो पहला था N2O, यानी नाइट्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम, वो आपका नाइट्रस ऑक्साइड है और ये आपका ग्रीन हाउस गैस है, और ये जो आपका एसिड रेन बनाने में काम आता है जब ये NO2 हो जाता है, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो जाता है। समझ आ गया ना आप लोगों को, हाँ सर, ठीक है ना। यस सर, हाँ, तो NO जो है केवल वो एसिड रेन नहीं बनाता आपका, NO के बाद जब वो NO2 हो जाता है, यानी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड होके वो NO2 हो जाता है, तब वो आपका जो होता है एसिड, एसिडिक नेचर हो जाता है। अगर केवल NO तो न्यूट्रल है, लेकिन NO2 जाके वो एसिडिक हो जाता है, ठीक है ना, तब वो एसिड रेन में हेल्पफुल होता है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन जो है, इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्रीन हाउस गैसेस, इसमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है, शायद ऑप्शन डी, 1 मिनट का टाइम है, आप सब फटाफट से बताओ। ऑप्शन डी लाइक 4 एंड 5। ऑप्शन डी, उसके अलावा कोई और का, किसी और कोई और ऑप्शन हो तो तो ए 1 2 3, बताना चाहते हैं, फिर आंसर डिस्कस करते हैं इसका। तो ए 1 2 3। सर, चलो मैं बता दूंगा आपको, देखो कोई और 1 3 5 तो पता चला, 1 2 3, 1 3 5 और 4 5, ठीक है ना। बी, ऑप्शन वन डी, थ्री एंड फाइव बी ऑप्शन। देखो चलो मैं बता देता हूँ आपको, वाटर वेपर जो है वो आपका ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, वाटर वेपर है तो गैस ही, वाटर आपका गैसियस फॉर्म में, वेपर इसीलिए वेपर है वाटर वेपर। लेकिन इसकी एक और खासियत होती है, ग्रीन हाउस गैस है, इसकी खासियत ये होती है कि ये इनकमिंग रेडिएशन और अर्थ से आउटगोइंग रेडिएशन है, वो दोनों को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, ठीक है ना, इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपकी, वो मैंने आपको बताई थी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है ये, ठीक है ना। ओजोन जो है वो आपको मैंने बता दी थी अभी, ओजोन क्या है आपके, ग्रीन हाउस गैस है या नहीं है, ठीक है सर, है। अब इसमें है क्लोरीन, तो ये क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैस तो होगी नहीं है, ये क्या चीज है आपकी, ओजोन डिप्लीटिंग गैस है। अगर इसकी जगह ये होता क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह ये होता, अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस होती, ठीक है ना, जिसके लिए आपका किगाली एग्रीमेंट आया। लेकिन ये क्लोरो है, अगर क्लोरीन या ब्रोमीन होता है ना, वो आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होता है। अब आ गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपको पता ही है, ये तो ओजोन, ये आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस इसमें क्या चीज होगी आपकी, फर्स्ट हो गया वाटर वेपर और ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, 1, 3 और 5। लेकिन आप कभी भी एक ध्यान रखना, अगर वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड में ये लिखा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग रेडिएशन जो है, तो वो गलत है, वो इनकमिंग को नहीं करता, अलाउ करता है, उसके लिए ट्रांसपेरेंट रहता है और वापिस जाने वाली को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन वाटर वेपर जो होता है वो दोनों को एब्जॉर्ब कर सकता है, इनकमिंग को भी
और जो अर्थ से रेडिएट करती है उसको भी, ठीक है सर? किसी में भी क्लोरीन रहेगा तो वो ग्रीन हाउस गैस नहीं रहेगा ना? क्लोरीन क्या है ना, वो ओजोन डिप्लीटिंग की तरह काम करता है, ठीक है? ग्रीन हाउस गैस, मैंने आपको, ग्रीन हाउस गैस का मतलब है जो आपका रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, ठीक है? रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए बताया था। अब क्लोरीन क्या चीज है आपकी, वो आपके ओजोन डिप्लीशिंग सब्सटेंस की तरह काम करता है वो। हाँ सर, ठीक है ना? तो मैंने उसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बताया था क्या तरीका है कि अगर कोई ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस होगा, ठीक है ना, तो वो ग्रीन हाउस गैस हो सकता है या नहीं हो सकता? वो नहीं हो सकता। ओजोन डिप्लीटिंग से हम डिराइव नहीं कर रहे कि वो ग्रीन हाउस गैस हो सकती है नहीं हो सकती है, ठीक है ना? मैं क्लोरीन की प्रेजेंस से ये ड्राइव कर रहा हूँ कि वो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। समझे बात को? मतलब आई एम ड्राइविंग द कंक्लूजन दैट द एनी कंपाउंड इज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन एंड ब्रोमीन, ठीक है ना? तो जस्ट बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन, इट्स अ क्लोरीन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। पर ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, वो हमें पहले से ही पता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, पर ये ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है। अगर इसकी जगह मैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहता तो वो क्या चीज है, रिप्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और उसमें क्लोरीन नहीं है, इसका मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस भी नहीं है, ठीक है ना? रिप्लेसमेंट की तरह काम कर रहा है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस नहीं है, पर हाइड्रोकार्बन जो है आपका वो ग्रीन हाउस गैस की तरह काम कर रहा है, जबकि कार्बन तो इसमें भी था, कार्बन उसमें भी है, ठीक है ना? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन में भी कार्बन है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन में भी कार्बन है, लेकिन उसमें क्लोरीन नहीं है, इसीलिए वो ओजोन डिप्लीटिंग नहीं है। पर ग्रीन हाउस गैसेस क्लोरीन होना या नहीं होने से नहीं है, उसका कंक्लूजन हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है या नहीं है वो कंक्लूजन निकाल रहे हैं बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना? हाँ सर, वो कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। कार्बन डाइऑक्साइड मैंने आपको बताया था कि ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या चीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड हैज द एबिलिटी टू अलाउ द इनकमिंग रेडिएशन फ्रॉम सन, ठीक है ना? जो सन से हाई एनर्जी की रेडिएशन आती है, क्योंकि सन की एनर्जी ज्यादा है तो हाई फ्रिक्वेंसी की आएगी और लो शॉर्ट वेवलेंथ होगी उसकी, उसको अलाउ करेगा ग्रीन हाउस गैस। लेकिन जब अर्थ रेडिएट करेगी, यानी हीट होने के बाद में अर्थ एनर्जी को रेडिएट करेगी, तब क्या होगा, उसकी वेवलेंथ लॉन्ग होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी हाई नहीं होगी, शॉर्ट फ्रीक्वेंसी, लो फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि उसमें एनर्जी कम है। जिस भी चीज में एनर्जी ज्यादा होती है उसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है ना? अब वो वापस आने वाली जो एनर्जी है उसको ग्रीन हाउस गैस क्या करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा, उसको अलाउ नहीं करेगा, पास होना अलाउ नहीं करेगा, या तो एब्जॉर्ब करेगा या फिर वापस अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है ना? लेकिन वाटर वेपर क्या करता है, वाटर वेपर अगर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है तो सन से आने वाली भी रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जरूरी नहीं है उसको केवल अलाउ करे, एब्जॉर्ब भी कर देता है, अलाउ भी कर देता है। पर कार्बन डाइऑक्साइड उसे अलाउ करती है, एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन वापस जाती है जब कोई रेडिएशन, उसे वो एब्जॉर्ब करती है, ठीक है ना? उसे अलाउ नहीं करती। समझ आ गया आप लोग? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की जो साइकिल थी उसमें हमने देखा था कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होती है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एब्जॉर्ब होती है, और ट्री कट होने, डिफॉरेस्टेशन होना या रेस्पिरेशन से वो एटमॉस्फेयर में आती है, या फिर आपकी कार्बोनेट रॉक्स जो होती है उसकी वेदरिंग से आती है, या फिर आपके फ्यूल्स के बर्न होने से आती है, ठीक है ना? या फ्यूल के बर्न होने के अलावा जो आपके ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से भी आती है। एग्रीकल्चर, ये आपका जो क्या था, नाइट्रोजन ऑक्साइड। हाँ, नाइट्रोजन ऑक्साइड का पता ही है, नाइट्रोजन की आपने साइकिल पढ़ी थी, ठीक है ना? इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड या फ्यूल बर्न होने से, या फिर आपके किस ये चीज जो होती है आपके वॉल्केनो, लाइटनिंग, इन सब से भी आपके नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं, ठीक है? आपके जब एग्रीकल्चर का फर्टिलाइजर जो थी, नाइट्रोजन फिक्सेशन जो था, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, नाइट्रोजन गैस जो होती है आपकी अमोनिया में कन्वर्ट होती है। एक मैंने आपसे बात पूछी थी पहले, अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो ज्यादा, ठीक है ना, तो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होती है या इंक्रीज होती है? रिड्यूस होगी लॉन्ग टर्म में, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस होगी, है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, मतलब उस टाइम के लिए आप क्या कर रहे हो, उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, पर सॉइल के थ्रू न्यूट्रिशन नहीं दे रहे, आर्टिफिशियली दे रहे हो। तो सॉइल का जो नेचुरल प्रोसेस होता है, जो उसकी म्यूचुअलिज्म होता है, जो जिसमें सिम्बियोटिक रिलेशन में बैक्टीरिया रूट्स के साथ अटैच होते हैं, वो सिम्बियोटिक रिलेशन ब्रेक हो जाता है उसका, ठीक है ना? अब आपके इसके अलावा क्या चीज होगी,
क्या क्या हो सकता है आपके, एस्थमेटिक एस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना। नाइट्रोजन के इससे हेल्थ अफेक्ट क्या हो सकता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है आपका स्मोक बनाने में, ठीक है, स्मोक में, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो स्मोक ऐसा आपके स्मोक बन जाता है, स्मोक प्लस फॉग, मतलब स्मोक की फॉग हो गई जो एसिड रेन में हो सकता है। जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वॉलेटाइल मतलब जैसे पेंट वेंट से कोई भी टेम्परेचर बढ़ने से कुछ भी ऑर्गेनिक मैटर उसमें से निकला, ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड गया गैसियस फॉर्म में, या पेट्रोल होता है इससे भी एकदम से वॉलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर उसमें से निकल रहे हैं, वो रिएक्ट कर रहा है आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में, तब आपके क्या है स्मोक बनेगी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब देखो जो आपकी मोनो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो फर्दर कन्वर्ट होगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, या फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगा आपका नाइट्रिक एसिड में, तो वो एसिड रेन के रूप में फॉल करेगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो ग्लोबल कूलिंग थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ओ एच रेडिकल दैट डिस्ट्रॉय द मीथेन मॉलिक्यूल्स, ये ग्लोबल कूलिंग की तरह भी काम करते हैं। ये किस तरह से ग्लोबल कूलिंग की तरह काम कर रहे हैं, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रहे हैं आपके, मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है आपका CH4, और मीथेन क्या चीज होती है आपकी, ग्रीन हाउस गैस होती है। अगर कोई भी चीज ग्रीन हाउस गैस को खत्म करेगी तो ऑटोमेटिकली क्या चीज होगी, उससे आपका कूलिंग अफेक्ट इंक्रीज होगा, ठीक है ना। तो जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है नाइट्रोजन ऑक्साइड है वो कैसे कूलिंग कर रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं OH रेडिकल रिलीज करने में। इसके पास ऑक्सीजन है, वाटर H2O एटमॉस्फेयर में है, वाटर वेपर, वहां से OH के रेडिकल रिलीज होंगे, वो OH के रेडिकल क्या करेंगे CH4 से रिएक्ट करेंगे और आपके मीथेन को कन्वर्ट करने लग जाएंगे, उसमें से हाइड्रोजन के एटम उससे अलग कर देंगे, ठीक है ना। तो CH4 जो है वो आपका जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है मीथेन की वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, समझ रहे हो आप इस बात को। यस यस सर। तो देखो ग्लोबल कूलिंग का मतलब है ऐसी चीज जो भी ग्रीन हाउस गैसेस को खत्म कर रहे, ठीक है, वो क्या कर रही है अर्थ के अंदर कूलिंग अफेक्ट को इंक्रीज कर रही है। तो यही बोल रहे हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और डाइऑक्साइड है उससे OH रेडिकल बनेगा, और ये OH रेडिकल जब CH4 से को डिस्ट्रॉय करेंगे उसको रिएक्ट करके CH4 को कन्वर्ट करेंगे उस फॉर्म में जो नॉन हाइड मतलब ग्रीन हाउस गैसेस की फॉर्म। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आप ये कह सकते हो कि पॉजिटिव अफेक्ट इसका ये चीज है कि ये मीथेन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, नेगेटिव अफेक्ट इसका चीज ये हुई ये आपका एसिड रेन स्मोग में या फिर एस्थमेटिक कंडीशन हो गई, यानी आप इनहेल कर लेते हो आप नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो कुछ टाइम बाद में क्या होगा आपका रेस्पिरेटरी जो लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, एस्थमा हो जाएगा। बस ऐसे ही बता देता हूँ, सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता ही है ये टॉक्सिक गैस होती है और ये भी एसिड रेन में काम आती है, मतलब एसिड रेन बनाने में यूज होती है, कंट्रीब्यूट करती है, सॉरी यूज नहीं होती वर्ड। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज हो गई, आपके फ्यूल के बर्न होने से हो रही है, इसके अलावा वॉल्केनो से भी आपके सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि अर्थ के अंदर सल्फर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के रूप में वॉल्केनो की एक्टिविटी से भी रिलीज होती है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो आप मैन्युफैक्चर करते हो वहां पे भी सल्फर डाइऑक्साइड, और सल्फर की मैंने आपको साइकिल बताई थी, जो सल्फर की रॉक्स होती हैं उससे वेदरिंग होगी, सल्फेट सॉइल के अंदर आ जाएगा, फिर वो प्लांट यूज करते हैं, फिर प्लांट के बाद उसको जो कंज्यूम करता है उसमें वो सल्फर चला जाता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर आप इनहेल करोगे तब भी रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, सेम आपके जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इट ऑल्सो वीकन द नर्व सिस्टम जो आपका वीक कर देता है। तो आपको याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड से रिलेटेड एक बात है, आपके जो थर्मल पावर प्लांट है ना उसमें